Hello everyone, welcome back, good morning and this is Mamta Verma. So, we are continuously restoration agents. Lastly, we are restoration ke damages hai, unko discuss kar rahe the, one by one karke detail mein. So, next jo hamare dramatist hai, he belongs to the restoration is that is Samuel Butler. Isne drama bhi likhe hai aur novel bhi likhe hai, theek hai? So, Samuel Butler hai, mainly iska time period hai 1835 to 1902, okay? Aur Samuel Butler hai, he is a great novelist and critic, dramatist nahi hai, novelist hai ye, theek hai? Isne drama zyada nahi likhe hai, lekin novels likha hai aur critical work zyada likhe hai isne, theek hai? तो इसका वर्क देख लेते हैं. पहला जो नोवेल है अरे हुन ओवर द रेंज. तो ये जो नोवेल है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है? तो इट इज पब्लिश्ड इन 1872 में ये पब्लिश हुआ था. और यहाँ जो इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है वो अननेम है, कोई प्रोटैगनिस्ट नहीं है. और इसका जो नैरेटर है इस नोवेल का वो भी अननेम्ड नैरेटर है, ठीक है? अननेम्ड नैरेटर है नैरेटर, ओके? सो यहाँ मेरे लिए क्या होता है, जो नैरेटर है ये डिस्क्राइब हिज जर्नी, वो अपनी जर्नी है उसको डिस्क्राइब करता है. तो यहाँ जो अरेउन है ये एक फिक्शनल प्लेस है, फिक्शनल प्लेस है. जो नैरेटर है वो डिस्कवर करता है इसको, ठीक है, अपनी जर्नी के दौरान. तो वहां व्हाट काइंड ऑफ पीपल लिव्स इन दिस प्लेस, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन, व्हाट काइंड ऑफ लो देयर, व्हाट काइंड ऑफ सुपरस्टिशियस पीपल लिव्स देयर. सो ही डिस्कवर्स एवरीथिंग. ही लिव्स इन द अरेउन प्लेस एंड ही एक्सप्लोर्स एवरीथिंग वेरी क्लोज, ओके? तो यहाँ जब जो नैरेटर है वो यहाँ जर्नी करता है अरेउन, तो यहाँ वो सब कुछ क्लोजली लोगों के साथ रह के, अरेउनियन जो पीपल है उनके साथ रह के उनके एक्सपीरियंस करता है लोगों को बहुत ही क्लोजली, कि वहाँ की एजुकेशन कैसी है, वहाँ की पॉलिटी कैसी है, वहाँ का लोग कैसा है, सो वहाँ के पीपल कैसे सुपरस्टिशियस है, मतलब सब कुछ था वो बहुत ही डिफरेंट था, ठीक है? तो यहाँ जो नैरेटर है अननेम्ड नैरेटर है यहाँ, तो यहाँ जो अरेउन है ये एक फिक्शनल प्लेस है सबसे पहले, ठीक है, जो नैरेटर डिस्कवर करता है अपनी जर्नी के दौरान, ठीक है? सो यहाँ जो नैरेटर है ही मेक्स हिज जर्नी, ही स्टार्ट हिज जर्नी, ही केम्स फ्रॉम लंदन टू न्यूजीलैंड. वो लंदन से न्यूजीलैंड आता है टू मेक हिज जर्नी एंड ही डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस एज ए सी फार्मर. सो इस जर्नी में वो अपनी जो वो उसने जो वर्क किया है जिस सिर्फ फार्मर उसको डिस्क्राइब करता है, वो एक्सपीरियंस भी यहाँ शेयर करता है. उसके साथ साथ ये जो नोवेल है वो एक विक्टोरियन जो सोसाइटी है उस पर एक स्टाइल है कि वहाँ विक्टोरियन टाइम में किस टाइम की मतलब पॉलिसी थी, मतलब लो रेगुलेशन कैसा था, वहाँ की सोशल कंडीशन कैसी थी, वहाँ की एजुकेशनल कंडीशन कैसी थी, टेक्नोलॉजी कैसी थी, सब कुछ डिस्क्राइब करता है यहाँ. तो द नैरेटर है ही मेक्स ए जर्नी, ओके, ही स्टार्ट हिज जर्नी फ्रॉम यू नो न्यूजीलैंड, ओके? सो ही स्टार्ट हिज जर्नी एंड एट द वेरी स्टार्टिंग ऑफ हिज जर्नी ही फाइंड ए पर्सन, उसका नेम होता है चोबोक, ओके? चोबोक इज ए पर्सन. सो यहाँ चोबोक है वो एक नेटिव पर्सन है न्यूजीलैंड का एंड ही गाइड द नैरेटर, वो नैरेटर को गाइड करता है उसकी जर्नी में. बट आफ्टर सम टाइम्स ही लिव्स द नैरेटर अलोन, और लेटर जो जर्नी होती है वो नैरेटर खुद करता है, खुद फाइंड आउट करता है. सो ही केम देयर टू सर्च अबाउट द लैंड, उस लैंड को सर्च करने आया है, ठीक है, जिसका नाम बाद में वो सर्च करता है, उसका नाम क्या है, अरेउन, ओके? नाउ ही स्टार्ट हिज जर्नी एंड आफ्टर सम टाइम्स ही फाइंड दैट पर्सन चोबोक हु गाइड द नैरेटर फॉर सम डिस्टेंस एंड लेटर ही लिव्स द नैरेटर अलोन. वो नैरेटर को छोड़ देता है अलोन और बाकी की जो जर्नी होती है द नैरेटर मेड हिमसेल्फ, नैरेटर है वो खुद कंप्लीट करता है अपनी जर्नी को. नाउ ही रीच एट द प्लेस. व्हाट इज द प्लेस? दिस प्लेस इज सिचुएटेड बिहाइंड द माउंटेन. बहुत सारा लंबा ऊंचे ऊंचे माउंटेन होते
like you know curious to know about what kind of place behind this mountain. तो उसको curiosity होती है देखने की कि इन पहाड़ों के पीछे का पैलेस है वो कैसा होगा एंड कैसे भी करके ही बिकेम सक्सेसफुल यू नो टू रीच दैट प्लेस. ओके दैट इज सिचुएटेड बिहाइंड द माउंटेन एंड हुज नेम इज अरेहून. तो ये अरेहून प्लेस होता है वेयर द नैरेटर रीच्ड देयर. ओके सो यहाँ और एवरीथिंग वॉज वेरी डिफरेंट. ओके सब कुछ बहुत डिफरेंट होता है एंड द नैरेटर हैज टू स्पेंड 3 months इनटू द जेल. नैरेटर को जेल में डाला जाता है वहाँ एंड इन ड्यूरिंग दिस पीरियड मतलब ड्यूरिंग द 3 months ऑफ दिस पीरियड द नैरेटर लर्न्स द लैंग्वेज. अरे हुनियन जो लैंग्वेज होता है उसको सीखता है. ओके उसके बाद आफ्टर 3 months व्हेन ही रिलीज फ्रॉम देयर देन ही एक्सप्लोर्स द डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स इन द अरे हुनियन. ही एक्सप्लोर्स अबाउट द हाउ सुपरस्टिशियस पीपल देयर. कैसे मतलब पीपल्स हैं वहाँ के कैसे बिल्कुल ही सुपरस्टिशियस मतलब उनका मानना था कि इफ एनीबॉडी यू नो फॉल्स इल्स बिकेम्स इल ओके एंड सफर एनी काइंड ऑफ डिजीज. अगर वहाँ अरेहून में कोई भी पर्सन है उनको डिजीज है कुछ या कुछ भी है दे पुट दैट पर्सन इनटू द जेल. ओके दे थिंक्स दैट पर्सन डिड एनी रोंग डिड एनी सिन दैट्स व्हाई ही इज सफरिंग. तो उनको लगता था कि अगर कोई पर्सन वहाँ कोई भी पीपल है अगर वो किसी भी बीमारी से सफर कर रहा है या कुछ भी उसको अदर जो भी मतलब फिर प्रेजेंट में जो भी उसको बीमारी है उससे वो जूझ रहा है तो उनको लगता है कि इसने कोई बहुत बड़ा पाप किया है इसीलिए उसको ये बीमारी हुआ है. ओके और वो उस पर्सन को ले जाके जेल में डाल देते थे. ओके और वहाँ जो लोग क्राइम करते थे ओके इफ एनीबॉडी डन क्राइम देन दे थिंक्स दैट इट बिकेम्स इमोरल. और उसको क्या करते थे उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता था ऐसे पर्सन को उनके इलाज के लिए. तो दैट काइंड ऑफ यू नो हाउ वी कैन सी दैट व्हाट काइंड ऑफ सुपरस्टिशियस पीपल लिव इन द अरेहून. ओके एंड देन द नैरेटर मीट्स ए ब्यूटीफुल गर्ल्स यू नो नोसीबार. वहाँ एक पर्सन है तो ही हैज टू गर्ल्स एंड द नैरेटर है ही फॉल्स विद द अरेहूना गर्ल्स लिटिल गर्ल. ओके एंड हु इज वेरी ब्यूटीफुल बट द नैरेटर है ही कांट मैरी दैट गर्ल्स व्हाई बिकॉज हिज एल्डर सिस्टर है हर एल्डर सिस्टर इज स्टिल अनमैरिड. तो जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती वो उससे शादी नहीं कर सकता. एंड देन द क्वीन ऑफ द अरेहून वॉज वेरी इंप्रेस्ड विद द नैरेटर. सो वहाँ की जो रानी थी वो नैरेटर से काफी इंप्रेस्ड थी. क्यों थी बिकॉज ऑफ हिज हेयर एंड फेयर कॉम्प्लेक्स जो नैरेटर का फेयर कलर था और उसकी हेयर थी उससे काफी इंप्रेस्ड थी. ओके सो नैरेटर को कुछ जगह पे अरेहून में लोगों को ज्यादा मतलब क्रूर व्यवहार नहीं किया गया लोगों ने उससे अच्छे से बिहेव किया. हालांकि उसको 3 months के लिए जेल में जाना पड़ा बट वहां भी उसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट किया जाता था. तो ये सब डिस्कवरी दिखाई गई है अरेहून की. ठीक है तो यहाँ डीप में पढ़ने स्टोरी जैसा कुछ नहीं है यहाँ सिर्फ एक डिस्कवरी है जो स्म्यूल बटलर ने इंस्पायर्ड होके लिखी है. किससे लिखी इंस्पायर्ड होके एक तो जो ऐसा माना जाता है डार्विन का सिद्धांत था उससे काफी इंस्पायर था स्म्यूल बटलर. ठीक है तो वो उससे भी थोड़ा इंस्पायर हुआ बाकी यहाँ स्टोरी जैसा कुछ नहीं है. दैट्स इतना ही है कि वहाँ अरेहून में लोग कैसे थे उनका कैसा कस्टम था क्या फॉलो करते थे ठीक है ये सब कैसी पॉलिटिक्स थी वहाँ कैसे रूल रेगुलेशन थे एजुकेशन कैसे थी टेक्नोलॉजी कैसे थी. और हाँ अरेहून में लोग बिलीव करते थे उनको मानना था कि जो मशीन्स हैं दे आर करप्टिंग द ह्यूमैनिटी. तो वो मशीन से जो नई न्यू टेक्नोलॉजी थी उनको वो क्या मानते थे ह्यूमैनिटी का करप्शन मानते थे कि ये जो मानवता है उसको करप्ट कर रही है. नई न्यू जो टेक्नोलॉजीज थी उन पे वो विश्वास बिल्कुल नहीं करते थे उनको मानते थे कि ये जो ह्यूमन बींग्स है उनको करप्ट बना रही है. ठीक है तो स्टोरी कुछ नहीं है ऐसी बस जस्ट रिमेम्बर द ऑल ओवर कि यहाँ एक नैरेटर है जो अरे उन सबसे पहले ये याद रखना आपको एक फिक्शनल प्लेस है जैसे कि नारायण का है मालगुडी प्लेस था
फिक्शनल विलेज वैसे ही है। अब अरेगून का सैमुअल बटलर ने इसका सीक्वल भी लिखा है, अरेगून ओविजिटेड, अरेगून रिविजिटेड। ओके, अरेगून रिविजिटेड ये सैमुअल बटलर ने इसका सीक्वल है, इट इज द सीक्वल सीक्वल। ओके, और ये पब्लिश हुआ था 1902 में। सो यहां जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है, ठीक है, यहां प्रोटैगनिस्ट है जिसका नाम है हिग्स, और यहां इसके बिलव्ड है उसका नाम है यराम। मैरी को हम अगर उल्टा लिखेंगे तो ये यराम बनता है मैरी जैसे, ठीक है, मैरी को अगर हम उल्टा लिखते हैं तो ये यराम बन जाता है। तो ये इसकी बिलव्ड है, ठीक है, और यहाँ कुछ नहीं है। द जो अरे हूं रिविजिटेड है, इसमें जो डायरेक्टर है वो अगेन रिविजिट करता है किसकी, न्यूजीलैंड की करता है, ओनली टू मीट हिज गर्लफ्रेंड, टू मीट हिज बिलव्ड यराम। ओके, सो यहाँ मेन जो प्रोटैगनिस्ट है हिग्स है और ये जर्नी करता है, ठीक है, इसमें जो डायरेक्टर और प्रोटैगनिस्ट हिग्स है और ये जर्नी करता है, ठीक है, किसकी, न्यूजीलैंड की, अगेन टू मीट हिज गर्लफ्रेंड यराम। सो यहाँ इसको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं, सिर्फ आपको याद रखना है कि इसका अरे हूं रिविजिटेड है, ये सीक्वल है अरे हूं का, ठीक है। सो दैट्स ऑल, लास्ट दो वर्क और बचते हैं सैमुअल बटलर के, उनको भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।